नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। आज मैं मौजूद हूं दातागंज में, जहां संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज में पधारने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो कि सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप, जो औला से लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सपोर्ट करने, उनको संबोधित करने आ रहे हैं इस जनसभा को। उनके आने से जो आज के काफ़ी दिनों पहले से आप देख रहे हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ क्षत्रिय समाज के लोगों ने थोड़ा अपना रुख दिखाया है, क्या इस रुख को दोबारा पार्टी में जोड़ पाएंगे या क्षत्रिय संगठन को दोबारा से इस पार्टी में जोड़ पाएंगे, उसको जानना बहुत ज़रूरी होगा और देखने योग्य बात होगी। क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो दातागंज से विधायक हैं राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, उनके बहुत करीबी कहे जाते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, इसी प्रकार बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं यहां कहना चाहता हूं, पूरा ये पक्का विश्वास होता है भाई, राम बाबा अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं डाल। हम लोगों ने यह भी हम आएंगे जम्मू और काश्मीर को धारा 370 के साथ जो विशेष अधिकार प्राप्त है, हम उसे समाप्त करेंगे। जम्मू काश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अंदर राज्य का दर्जा। मैं भाइयों चुटकी बताता हम लोग संसद में बहुत मिलने के साथ ही धारा 370 को समाप्त कर दिया। जो हमने कहा हम वह किया। हम लोगों ने यह भी कहा हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करें। लोग कहते थे आपका दूसरे धर्म के लोगों के मामले में क्यों बोलते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का रंग लगा, सबकी मां बहन बेटी, हम लोगों की भी मां बहन बेटी है, हम भारतीय समाज में मिल रहे हैं। किसी के साथ यदि कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या न बने, उस मां बहन बेटी के साथ कोई पार्टी नहीं खड़ी रहेगी, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, भारत का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, भारत का भविष्य कैसे सुनहरा भविष्य बन सकता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में आपकी समझ पर कोई भी दुनिया की ताकत सवाल या निशान नहीं लगा सकती। आज मैं आ रहा हूं यह कहने आ रहा हूं, कहने वाले आपको इसकी जानकारी होगी कि भारत का मस्तक आज दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कोई बोलता तो भारत की बातों को इस गंभीरता को लिया जाना चाहिए, गंभीरता को तो दुनिया नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर कोई बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की है सरकारी दुनिया में। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय भारत का कर्ज पूछा होगा, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्र और राष्ट्रपति अब्दुल के भी चौक पर बोलने लगे हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश की भारत की है, यह है भारत की।